ए, हम लोग सीनियर हैं, तुम लोग नीचे करो। चलो जल्दी करो। वहां पर वो जो लड़की खड़ी है ना, उसे फूल दे करा। हाँ जा। अब देखना उसका क्या हाल होता है। देखते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। उन्होंने आपको फूल देने के लिए कहा है। आजकल के इंसान। चल चल चल। श्रीनु, हाय। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? न्यू एडमिशन है यार। ये मेरा इंटर का दोस्त है। हाय हाय। मुरली, ये है यादव, मेरा बेस्ट फ्रेंड, चड्डी बड्डी दोस्त। हम लोग हरदम साथ में रहते हैं। ये है विजय, ये है नवीन। हाय हाय। गुड मॉर्निंग सर। श्रीनु, गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आते हो या गुंडा बनने के लिए? ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो। देख माय डियर, आज के जमाने में हमारी उम्र में लड़के कैसे होने चाहिए पता है? मैं बताता हूँ। अरे शीनू, प्यार करने की उम्र में ही प्यार कर लेना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते वक्त ही लड़की को अगर नहीं पटाया तो बेवकूफ है तू। जाके किसी को पटा, जिंदगी बन जाएगी। क्या बात है, अच्छे से नहाओ ना। बस एक ही जोड़ी, एक और जोड़ी पूरी हो गई तो मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। जीवन में नौ रस और श्रृंगार बहुत जरूरी है। इंसान को नीरस नहीं होना चाहिए, श्रृंगार का आनंद उठाना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए।
वो देखो बात करते ही एक प्रेमी जोड़ा आ रहा है, आज मेरी सेंचुरी पूरी होगी। नमस्ते सर। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हारा फर्स्ट हाफ वेस्ट हो गया, सेकंड हाफ सपने देखने में लगा दिए। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक क्वार्टर निकालो, मैं सारी बात बताऊंगा। ये लो। अरे दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, धनम धनम मोलम इदम जगत। समझ गया समझ गया। ये ले लो। अभी बोलो प्यार के बारे में। क्लाइमेक्स से थोड़ी दूर पर ही हो, अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे ठहर जा साहब, इधर आओ। अरे जल्दी से इस बच्चे को प्यार के बारे में समझाओ, और इसको प्यार के पेड़ पे चढ़ाकर उसको तेजी से उड़ाना है। केस को बड़े गौर से स्टडी करना पड़ेगा, शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो रिवर्स में जाने के चांसेस हैं। तुम्हारी जन्म कुंडली निकालनी होगी, उसे पलटना होगा, उसे दूर भगाना होगा। मैं अपना दम दिखाता हूँ। अरे अरे ठहरो ठहरो, इस धूल को बाहर निकालोगे तो उस धूल से हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे जन्म कुंडली को रहने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने अनुभव से बताइए। प्रेम रस को पाने के लिए कुछ विषयों में बंध कर रहना पड़ेगा, क्या रह पाओगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा, चिंता मत कीजिए। जाति पाति तो नहीं है ना? अरे बाप रे बाप, अभी मैं शादी का मुहूर्त नहीं निकाल रहा हूँ जो तुम इतना फास्ट भाग रहे हो। तुम्हारी ऐसी हालत है, श्लोक के अंदर श्लोक मिलाकर रामायण लिखा गया है। अब जमाने के अंदर मुस्कुराहट से प्यार निकलेगा, यही यही मुस्कुराहट रखोगे तो लड़की पटेगी। अरे मंद बुद्धि यही तो खासियत है। समझ में नहीं आया। अरे तू समझ गया होता तो तेरी जोड़ी नहीं बन गई होती। अपनी प्रेमिका को अपनी हंसी के दम पर रिझाना चाहिए, उसके बाद प्रेमिका को हंसने की आदत हो जाती है, फिर प्रेमिका प्रेमी को देखकर हंसती है। समझ में आया, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए, और जिंदगी में सबको हटाना चाहिए। अरे रुको रुको रुको, पाठ पढ़ने से पहले प्रैक्टिकल में नहीं जाना चाहिए। सिनू रुको। क्या बात है बुआ, क्या चाहिए? तुम ही चाहिए। तुम्हारे फूफा गांव से बाहर गए हैं, रात को अकेले सोने में डर लगता है। साथ आकर सो सकते हो क्या? चाहो तो मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी। नहीं बुआ, मुझे कॉलेज के लिए टाइम हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ। सिनू, जरा मेरी साइकिल का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। क्या लड़की है यार, ये तो संतरे की तरह मस्त है, क्या बात है यार। मैं बस से चला जाऊंगा। ठीक है, तू बस का इंतजार कर, उसी से आ तू। अरे बाप रे, ये तो मल्ली की लवर है। जल्दी करो जल्दी करो, चल चल चल, गाड़ी चलने वाली है, चलो जल्दी करो। जल्दी चलना है, ये अंदर चल। इसमें कोई कमी नहीं है, और ऊपर से अपनी बॉडी दिखाने के लिए चलती बस में चढ़ने की आदत है। नॉर्मल रुकी हुई बस में नहीं चढ़ेगा, ये चलती हुई बस में ही चढ़ेगा, पता है मुझे। हाँ, उसने बोला था। अरे बाप रे, क्या कमाल की है। Ha 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 ha!
अरे हाँ, गुरुजी की बात याद आ गई। अरे कोई तो फंस जाए। सुनो, मेरा नाम श्रीनु है। हमें ये नाम क्यों बता रहा है? अरे देखा था ना, वो कैसे गिरने वाला था। अरे आज तो मैं कुछ ना कुछ कमाल करके ही रहूंगा। क्या तुम लोग अपना नाम नहीं बताओगे? नव्या, दिव्या, भव्या। मैं बाजू के गांव में रहता हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? वो कोई रिश्तेदार है जो सबके नाम बता रही है, तो उसे दिमाग नहीं है क्या? जाकर एड्रेस दे दे और घर में चाय पे बुला। इसमें शर्म की क्या बात है? अगर हम लोग सर झुकाकर चलेंगे तो हमें हमारे अलावा और कौन देखेगा, बताना जरा। बोल दिया ना, मुंह बंद कर और चल। सुनो, जब सीएम रोड पर चलते हैं तो उनके साथ कितनी सिक्योरिटी रहती है ना। जब हम लड़कियां कॉलेज जाते हैं तो यही लड़के हमारी सुरक्षा करते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, अगर ये लड़के हमें अभी नहीं देखेंगे तो क्या बच्चे हो जाने के बाद देखेंगे? ये लो भाई चाय, गर्मा गर्म चाय। नव्या, भव्या, दिव्या। ये भव्या दिव्या नव्या की रट लगाना छोड़ो, पहले चाय लो। सर को भाई, सर को। तीनों लड़कियां मुझे ही देख रही थी यार। अरे भाई, देखने में जाता क्या है, वो लोग देखते रहते हैं। जरा सर को। वो देख रहा है तो तेरे पाँव में क्यों दर्द हो रहा है? तुझे भी प्यार चाहिए, लड़की चाहिए, ऐसा दिमाग में आ रहा है? देखो, एक बार प्यार हो गया तो हाथ पांव दबा रहा है। ऐसे लोगों को प्यार क्या मिलेगा, बस यूं ही ये घूमता रहेगा और कुछ नहीं। अरे अभी तक लड़कियां नहीं आई। वो देख, अपना सिक्योरिटी आ गया है। अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से चल। मेरा मुंह है, अब क्या करूं, बंद ही नहीं होता है। खड़े क्या कर रहा है? लड़की छेड़ता है? छेड़ेगा, बता, दिमाग खराब है हा? क्या रे, हमारे गांव की लड़की छेड़ता है? भैया, ये लड़का नहीं, ये वाला है। क्या रे, लड़की छेड़ता है तू? लड़की छेड़ता है, लड़की छेड़ता है। ए, हमारे गांव की लड़की की तरफ किसी ने हाथ भी उठाई ना तो काट के रख दूंगा। ए, साइड हट। सॉरी भाई, मुझे माफ कर देना। जब तेरे को सॉरी बोल रहा हूँ तो फिर घूर क्यों रहा है? तेरी आंखें फोड़ दूंगा। जाने दो, उसे छोड़ दो, इसके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चल। लड़की को पटाने गए तो ये क्या मुझसे बता गए? मल्ली ने लड़की को कैसे पटाया होगा यार? मेरे नाना कहा करते थे, ए, अगर तुझे लड़की के पीछे पड़ना है ना तो तेरे दिल में हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत। पता है, जब मैं अपनी बीवी को उठा के लाया था ना, इस हाथ से 20 लोगों को मारा था। जा, जाकर कम से कम 11 को तो मार। मैं बस में चुपचाप जा रहा था और मुझे आकर मारा। उधर मैंने बोला तो था, गलती हो गई। मेरे गांव में आकर मुझे ही मारेगा क्या? हाँ मारूंगा। ए, 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 ए,
भाग जाओ ना, अच्छा नहीं होगा। दूसरी बार आया तो देख लेंगे इसको, अगली बार आएगा तो देख लेंगे, आसपास दिखाई दिया तो छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो। ओके स्टूडेंट्स, देखो जब कोई तुम पर अटैक करेगा तो कैसे अपने आप को बचाना है मैं तुम्हें बताऊंगा। सीनू जरा इधर आओ। देखो तुम मुझे केक मारोगे और मैं बताऊंगा कि ब्लॉक कैसे करना है। ओके सर। मारो केक। सीनू किक मारो। मैं करता हूँ सर, मैं करूंगा सर। इसी हाथ से 20 लोगों को मारा है। ए, तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? सीनू के लिए ताली बजाओ जल्दी। तूने मुझे किक मारा है, अब मैं मारूंगा और तुझे मेरे किक को ब्लॉक करना है, ठीक है? ओके मास्टर। अरे मैंने सोचा तुम मेरे किक को ब्लॉक करोगे, तूने उसे खा लिया, जोर से तो नहीं लगी ना है? तुम लोग आ जाओ। नहीं मास्टर, आप मारिए, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। आप पोजीशन ले लीजिए। अरे देखना अपना शीनू कराटे सीख रहा है। अरे 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 शीनू, अरे शीनू, तेरी तो मुझे मारता है। अरे शीनू क्या कर रहा है? चल चल, अरे शीनू तो चल, बहुत हो गया। अबे मुझे मारता है। अरे मैंने उसको मारा ना, इसलिए उसने मुझे जानबूझकर मारा। अगर वो कहीं पर मिलेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग देख लेना। जो हो गया सो हो गया, अब तू ये सब क्यों कर रहा है? अरे जो हो गया सो हो गया, छोड़ ना उसे। अरे शीनू लड़की आ गई। अरे इतनी भी ना देखा। तुम लोग क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हमारी तो रुको रुको। अगर आंखों में सुई चुभाओगे तो दर्द तो होगा ही ना, और अगर सुरमा लगाओगे तो आंखों की जलन ठीक हो जाएगी। ये प्यार का पाठ भी ऐसा ही होता है। मतलब तुम भी हमारे श्रीनों की आंखों में सुरमा लगाओगे? कब क्या करना है मैंने अपने प्यार की किताब में पहले भाग में क्लियर लिख दिया है। हमारे श्रीनों को तकलीफ दिए बिना प्यार में पड़े ऐसा परफेक्ट आइडिया बोलो। पैसे, दक्षिणा के बिना लाइट नहीं जलती। अरे मैं देता हूँ ना। ये लो। अभी लाइट का रेट बढ़ गया जीएसटी की वजह से, इस दक्षिणा में काम नहीं होगा। ये सब मुझे नहीं पता, जो था हमने दे दिया, नहीं बताओगे तो हम चलते। रुको, रुको, रुको। इतनी जल्दी मत फैसला लो, मैं एडजस्ट करने को तैयार हूँ ना। अब जल गई लाइट? स्विच ऑन कर दिया ना, अब लाइट भी जल जाएगी। जलती हुई आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। आग बुझने के बाद हाथ लगाओगे तो हाथ में राख लगेगी। वैसे ही जब जब मनी हाथ में रखोगे तो उसकी चमक से प्रकाश फैलेगा। हमारी क्लास में मनी नाम की लड़की है सर, क्या मैं उससे प्यार करूं? बहुत भोला है, नाम के हिसाब से प्यार नहीं होता, प्यार तो हमेशा दिल देकर होता है, दिल से दिल मिलना चाहिए। तुम अगर प्यार करना चाहते हो तो उसका रास्ता अलग है, अगर भूल गए तो गए काम। गुरुजी वो रास्ता तो आप ही दिखा सकते हैं मुझे। रास्ता दिखाना ये गुरु का काम है, उस रास्ते पर चलना शिष्य का कर्तव्य है। तुम्हारे सर पर कुछ है क्या? कुछ नहीं है गुरुजी। देखा ना, मैंने कहा तुम्हारे सिर पर कुछ है क्या? मैंने ये नहीं कहा था कि सिर पर कुछ है मिटा दो, तुमने मिटा दिया, यही है तुम लोगों का काम। इधर आओ इधर आओ।
तुम कॉलेज जाते हो ना? कभी कभी जाता हूँ। ओके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मल्ली गौड़ा। मल्ली गौड़ा, नजा बजा जा जरा। बिल्कुल, उस मल्ली गौड़ा की कोई प्रेमिका है? है ना सर, रमा देवी है। ओ रमा देवी, रमा देवी, 4 × 4 = 8 होता है। रा सोम, मा मंगल, दे बुध, वी गुरु। गुरु गुरु, गुरुवार को रमा देवी तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी, निश्चित करेगी। गो अहेड गो अहेड, जाओ जाओ जाओ, पीछे मत देखना। आप चलिए ना। अरे जाओ जाओ, चलिए ना। चलो चलो चलो, उतरो उतरो, स्टॉप आ गया, उतरो उतरो, चलो चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ, स्टॉप आ गया, आ जाओ। अरे वो सीट बुक कर लेना, कोई आए तो बैठने मत देना। ए, क्या कर रहा है? गिर जाता तो मर जाता ना। अरे क्या चाकू की तरह खतरनाक फिगर है। अरे ये क्या, कैसे गाड़ी चला रहा है, पूरे गांव में घुमा रहा है। जल्दी चलो वरना कोई देख लेगा। कोई देखेगा तभी तो तेरे बाप को बताएगा कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए घुमा रहा हूँ तुझे। मेरे पिताजी ना शादी करवाने वालों में से नहीं है, तेरे हाथ पैर तुड़वा देंगे वो। नमस्ते बेटा। नाटक बंद कर अब और चुपचाप चल यहाँ से। प्यार पागल है, प्यार अंधा है। चीची, नहीं नहीं, प्यार मेरी जान है, प्यार ही मेरी जिंदगी है। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। ए लड़की, क्या तेरे लिए अपने दिल में एक प्यार का मंदिर बनाऊं? हाँ, तुम्हारी पूजा करने का मन करता है। प्यार करना ही एक श्राप है। यस। बस आ गई, बस आ गई, चल 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 वो हमारी बस नहीं है। क्यों भाई सिनू, कैसी दिखती है हमारी भाभी जी, बताओ ना। अरे कमाल की दिखती है क्या? अरे दिखने में कैसी है, कमाल की है क्या? क्या रे सिनू, देख कर रुकी थी या तूने इसको भगाया? दोस्त देखते है ना कि किसने किसको पटाया है। देखते है देखते है। चलो चलो स्टॉप आ गया, उतरो उतरो। प्यार करना एक वरदान है और प्यार ना करना एक अभिशाप है।
ये सुनना, मेरी आइटम जब हंसती है ना तो कमाल की लगती है। अरे उस तबेले से क्या पूछ रहा है, अरे मुझसे पूछना क्या लग रही है, कैसी लग रही है। अरे श्याम, तू हाथ धो के मेरे लिए दतून तोड़ दे यार। छी, इसके हाथ में लगी हुई है यार। अरे दास तू छोड़ दे भाई। रुको मैं तोड़ के देता हूँ। अरे छी छी, इसके हाथ में भी लगी है देखो। बात क्या है, रोज रोज और खूबसूरत होती जा रही है। क्योंकि प्यार है। फिल्मों वाला प्यार हो गया जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखी थी। अरे मेरे पागल दीवाने, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, समझे क्या। अरे बाप रे। ओ, जोर से लगी क्या। टिकट। अरे तू टिकट की बात क्या कर रहा है भाई, एक बार हाँ बोल दे तो मंथली पास दिलवा दूंगा। अरे यार ऐसी लड़की मिल जाए तो पास के आप पूरे बस में सिर्फ उसको ही बिठाएंगे। लड़की बड़ी है खूबसूरत लड़की। क्या बात है, तू बहुत गुस्से में लग रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड को बस में गुंडों ने छेड़ा है, पता है तुम्हें। कौन है रे, अरे कौन है रे वो, ए चलो दिखाते हैं उसको। हाँ, चलो, चलो। अरे उधर देख वहाँ। अरे क्यों मार रहे हैं लोगों को, पता नहीं क्या किया उन लोगों ने। मैं वो गुड़ के अंदर। क्या कर रहा है तब से, बैठ जा। अरे गा रहा हूँ मैं। गुड़ और चने अच्छे रहते हैं सेहत के लिए, खाओ खाओ। इधर दे।
टिकट। तुझे पता है उस दिन कॉलेज में क्या हुआ और उसके बाद टीचर ने चलो टिकट ले लो। सच में सही कहा भाई, बहुत मजा आया था। टिकट टिकट। हाँ तू आई नहीं ना। हाँ भाई कहाँ जाना है? कहाँ गई थी तू? हाँ अच्छा हाँ ये ले भाई एक टिकट देना। हाँ पहले टिकट तो ले ले भाई, बाद में घूर लेना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? देखना। अरे रमा देवी कहाँ जा रही हो? कहीं भाग कर तो नहीं जा रही हो? अरे भाग नहीं रहे, तेरे प्यार की कहानी कहाँ तक पहुँची वो बताना पहले। भैया जूनियर कॉलेज का टिकट देना। अरे बेटा तुमने टिकट लिया क्या? कहाँ की टिकट देना है? ये कॉलेज तक का टिकट। अच्छा टिकट टिकट। एक जूनियर कॉलेज देना। टिकट टिकट। ये दुनिया छोड़कर कौन सी दुनिया में चले गए थे तुम लोग? अच्छा ऐसा क्या, तुम लड़कियों को देखकर दूसरी दुनिया में नहीं जाते क्या? ये सब तो ठीक है, उससे बात की कि नहीं की? नहीं यार अभी तक तो नहीं, उसको देखता हूं ना तो समझ में नहीं आता। ऐसा ही लगता है, सबसे पहले अपने प्यार के बारे में उसे बताओ तो। ऐसा ही है, ऐसे मामले में जल्दबाजी करनी पड़ती है नहीं तो लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। लड़कियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा लड़की पर विश्वास नहीं करना चाहिए? अरे ठहरो, उसको मारूंगी क्या? कल मैं उससे बात करूंगा ठीक है? संध्या तुम मेरे लिए पैदा हुई हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। संध्या मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मना कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। संध्या आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। संध्या देख तेरा आशिक। अरे ये क्या अनजान बन रही है? अरे क्या हमारे कॉलेज तक आ गया ये? हाँ वही तो, कुछ बोलना मत उसको। ठीक है चल। संध्या, ए संध्या। क्या है संध्या, बिना जवाब दिए जा रही हो, क्या हुआ तुम्हें? भैया प्लीज भैया। क्या बोला भैया? भैया क्यों बोल रही हो? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए भैया प्लीज। उसे भैया क्यों कहा? तुम तो उसे प्यार करती हो ना? पता नहीं, ऐसे मेरे सामने आ गया ना तो उसके पास आने से मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं डर गई थी। भैया
आखिर उसने भैया कैसे बोल दिया। भैया बोलेगी मुझे? इसको पी ले, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हाँ, सच में बहुत ठंडा है। ये क्या है? क्या रे, मुझे ठंडा देता है? ए शीनू, हम पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जाके उस लड़की से बात करो। दर्द क्या होता है, दोस्त कैसा होता है? क्या होता है मतलब, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, पीना चाहिए, जागना चाहिए, लड़की के बारे में सोचना चाहिए। हाँ शीनू, इसने बिल्कुल सही कहा। वो सोचेगी कि मैंने उसे भैया बोल दिया, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी, और तुम्हें दुखी देखकर शायद वो वापस आ जाए। मतलब मुझे रोना पड़ेगा? अच्छा नहीं गया, मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मम्मी को क्या बोलूंगी मैं? मम्मी को बोलूंगी तो मारेगी, मम्मी को बोलूंगी तो मुझे मारेगी। मैं रो रहा हूँ तो तुम्हें हंसी आ रही है? अरे ये कैसा दर्द है? इसीलिए तेरा पैर खजूर के पेड़ की तरह है। इसलिए कहता हूँ कि मेरे श्रीनू को सारी दुनिया के सामने महापुरुष बना दो। तुम्हारे दोस्त को लाइन पर लाने के लिए जन्म कुंडली चाहिए। प्रेम के गीत गाने से कुछ नहीं होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब खून से विकिपीडिया को लिखना पड़ेगा क्या सर? अभी उसकी जरूरत नहीं है, अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गया तब कुछ सोचेंगे। गुरुजी, क्या उस लड़की को बिना डराए हुए उसे हाय हेलो बोलूं क्या? भाई भाई बोलते रहोगे तो वो लड़की नहीं पटेगी। फूल अगर पूजा के लिए खिला है तो वो बिस्तर पर नहीं आता। देखो सीनू, बैट हाथ में होने से कुछ नहीं होता, बॉल कैसे मारना है, विकेट को कैसे बचाना है, पिच के हिसाब से टेक्निक बदलना पड़ता है। पागलपन बहुत ज्यादा चढ़ गया है मेरे श्रीनू को। श्रीनू यहाँ आओ। अभी ना टेक्निक पूरा बदल गया है। ये बटन दबाएंगे तो लड़की तुम्हारे हाथ में रहेगी, और फिर बहुत सारी लड़कियां आती हैं, जो चाहिए वो चुन लो। अरे गांव में जो लड़कियां हैं उन्हीं को नहीं पटा पा रहा है, इधर उधर की लड़कियां ये कैसे पटा पाएगा? सांबा, किसी का मनोबल ऐसे नहीं गिराना चाहिए। शीनू, तुम्हारी जिंदगी इस फोटो के अंदर है अभी। अरे वो क्या दारू की बोतल है, पेटी में रखेंगे? कंफ्यूज मत कर शीनू, तुम्हारी फोटो, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, अट्रैक्शन, सब कुछ इसमें डाल दो, मेरा केयर ऑफ एड्रेस दे देना। जो जवाब आएगा उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, काम हो जाएगा। मतलब ओपनिंग आप ही करोगे क्या सर? अरे अकल का अंधा, कोच कभी फील्ड में आकर बैटिंग नहीं करता, बाहर से ही गाइड करता है वो। आप उनकी बातें क्यों सुन रहे हो, आप बोलिए ना। आज तक की लड़कियों में से किसी एक को तुम पसंद कर लो और उससे प्यार कर लो। अरे नालायक, वो मेरी बेटी है रे, वो अभी अभी अपने ससुराल से आई है, भागे। देख यहाँ देख, मेरी बात सुन, अगर तू ताक झांक करेगा तो मार खाएगा, इस बात का ध्यान रखना। जिस लड़की की शादी होने वाली है, हा? जिसको लवर्स चाहिए, वो सब लड़कियाँ इसके अंदर हैं। अरे तो इसमें से निकाल लेना। इसमें से नहीं निकलेगी, तुम उसमें से सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना। तो क्या बोलते हैं आपके गुरुजी? लड़की को कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहिए। पर कार्ड नहीं है। अरे इसके पास पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है ठीक है, यहाँ देखो, लड़कियों के साथ नदी के पास, कुएं के पास बैठकर गप्पे नहीं मारना चाहिए। क्यों गुरुजी? वो इसलिए कि अगर वो दुखी हुई तो या तो खुद कूद जाएगी या तुझे धक्का मार देगी। अरे ये क्या झंझट है, वहाँ पर बैठ नहीं सकते? अपना मुंह बंद कर, ये मेरे गूगल गुरु ने कहा है। कौन सा बटन दबाए तो कौन सी लड़की आएगी, मुझे अच्छे से पता है। अरे 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 अरे, जल्दबाजी में कोई भी बटन मत दबा देना, मैंने जो डेटा फीड किया है वो डिलीट हो जाएगा। अरे सर, लड़की कैसे पटाना है, ये सिस्टम कैसे चलेगा, वो हमारे श्रीनू को समझा दिया। अरे श्रीनू लेकर भाग जा। अरे अरे मेरा लैपटॉप वापस दे दे। अरे ये क्या किया तूने, मैं तो बर्बाद हो गया रे। गोविंदा गोविंदा, गूगल गुरु गोविंदा, मेरा लैपटॉप गोविंदा, मेरे पैसे भी गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। अरे श्रीनू जल्दी कर, लड़कियों को देखने का है। मामा कोई भी बटन दबा रहा हो तो आ नहीं रही है। तुझे अकल नहीं है क्या बेटा, इसको उठाकर यहाँ क्यों लाया, वहीं रख देता। अरे गांव लेकर जाता तो इज्जत चली जाती। अरे इसको बंद कर और अंदर डाल दे। क्या मेरी बात सुनो,
वेंकट को बोलो नाड़ा ठीक से बांधे, नहीं तो चड्डी उतर जाएगी। अरे वो कपड़े सुखाने की रस्सी है। ए, तेरी तो तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं किए ना, तुम मेरा नाम भी लिंगराजू नहीं। क्या है ये, रोज सुबह उठते ही तुम्हारा नाटक चालू हो जाता है, इसीलिए तुम्हारे दोनों बेटे नालायक है, दिन भर पीने का बस। अरे बुढ़े, जरा देख कर, आंखें नहीं है क्या? चश्मा किस लिए दिलाया मैंने? अजीब हो, पता नहीं ये बड़े लोगों को कैसे समझाते हैं, इनको तो समझ में ही नहीं आता। अरे ये चड्डी तो मेरी है, कल आपने मेरी पहनी थी, मैंने कुछ बोला? पागल कहीं का। तुम ऐसी बात मत करो शीनू, जो भी हुआ तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ। अरे पागल, अगर वो नहीं मिली तो क्या, पूरी दुनिया की लड़कियां खत्म हो गई है क्या, बताओ जरा। अरे तूने उसके पीछे इतना किया, अब उसे भूल जा तू। हमारे बाजू वाली गली में 10 लड़कियां हैं, अपनी गाड़ी में उन सबको इधर उधर घुमाना, फिर देखना कैसे तेरे पीछे भाग आएंगी। ऐसे मुंह मत लटका। तुम चुप ही रहो, देखो उसकी बात मत सुनो सीनू। अगर तुम्हारा प्यार चला गया तो दर्द तो होता ही है ना, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जो लड़की बनी होगी वो तुम्हारे सामने खुद ही चल कर आएगी, देख लेना। क्या हुआ संध्या? भैया प्लीज भैया। शीनू, अरे शीनू तुझे क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? अरे तू चुप कर, लड़की दूर हो गई इसी टेंशन में है वो। छी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, प्यार नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, तेरी कसम, मेरी कसम, तेरी कसम, तेरी भी, तेरी भी। अरे दुखी क्यों हो रहा है, वो लड़की नहीं तो कोई दूसरी मिल जाएगी। अरे शीनू भैया, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पूरे गांव में घुमाता हूँ। क्यों? तुम्हारे घर में कोई लड़की आई है, वो तुम्हारी माँ से बात कर रही है। लड़की कौन है? अरे अरे मुझे क्या पता, मैंने बस देखा तो मैंने सोचा तुम्हें आके बता दूँ। अरे ठहरो, मैं जाकर आता हूँ। अरे ए, पीछे बैठ। अरे हम लोग इसका दर्द बांटने आए थे और ये लड़की का नाम सुनकर हमें छोड़कर भाग गया। हे भगवान, उस लड़की को जल्द से जल्द पटाना होगा। अरे बुआ, आप ये कहाँ से लेकर आई हैं सब कुछ? अरे ये तो कमाल की है, दिखने में तो दीपिका लगती है यार। तो इसे साफ करना ही पड़ेगा ना? अरे सुबह से गया हुआ था, अब आया तू? बस बाहर गया तो दिन भर घूमता रहता है, कभी घर में भी तो टिका कर। मैं कहाँ गया था माँ, मैं तो बस पेड़ के नीचे अपनी पढ़ाई कर रहा था। 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है, कैसे भी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और ये है कि फिर से उसी क्लास में पढ़ रहा है, जरा सीख ले इससे कुछ। ओ, अच्छा ये बात है। हाय। हाय। अरे कोई टीचर थी जिसने मेरे बेटे को इंग्लिश में कम नंबर दिए, उसने मेरे बेटे को बिना मतलब के बाहर कर दिया, और 3 साल से वो एक ही क्लास में पढ़ रहा है। मैं यहाँ इसको पटाने आया हूँ और माँ मेरी बेइज्जती कर रही है। अरे इस बार पास तो हो जाएगा, अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर मिल जाते ना तो पास हो जाता, अब ये एग्जाम नहीं दे पाएगा। अरे रे, लेकिन फिर से दोबारा एग्जाम दे सकता है ना? अबकी बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस लड़की के सामने थोड़ा सा बोला तो बेइज्जती समझ, ऐसा है तो पढ़ाई किया कर। माँ थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करो ना, कब से मेरी बेइज्जती कर रही हो। अच्छा तुझे बेइज्जती लग रही है, पास होना चाहिए था ना। अरे राजा माँ, राशन वाले चावल बांट रहे, खत्म हो जाएगा ले ले जाके। ठीक है ठीक है। अरे श्रीनु, वहाँ थैला और राशन कार्ड है, जाकर जरा चावल ले आ, वहाँ चावल रहता ही नहीं, आते ही खत्म हो जाता है। माँ मैं नहीं जाऊँगा, वो दुकान बहुत दूर है, भैया के आने के बाद जाऊंगा मैं। अरे हर काम के लिए तू क्या भैया भैया करता रहता है, सिर्फ खाने के लिए, एक काम नहीं होता तेरे से। बेटी तुम ये साफ कर देना, मैं ही लेकर आती हूँ, बस घूमना ही है, कुछ काम नहीं करना है। ये तो देख रही है, अब मौका देखकर बात को आगे बढ़ा लेते। ये बोल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे रिश्ते में आती हो ना? क्या कहा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा रिश्ता है ना? कौन सा रिश्ता? अरे बुआ की बेटी, यानी कि दूर के रिश्तेदार। अच्छा तो अब तुम रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो क्या? हाँ। तुम 10 दिन तो इधर ही रहोगी ना? मैं अपनी छोटी बुआ के पास आई हूँ, ससुराल नहीं आई।
अरे ऐसे जा क्यों रही हो? अरे बाप रे, ये बीच में भैया क्यों आ गए? अरे ये पागल कभी नहीं सुधरेगा, क्या होगा इसका? पूरे गांव में सुबह हो जाती है, इसी घर में नहीं होती। अरे सीनू उठ, जब देखो बिस्तर पे पड़ा रहता है। चलो उठो जल्दी, तुम लोगों की नींद ही खत्म नहीं होती। ऊपर से ये बुड्ढा, सुबह सुबह एक ही रिकॉर्ड लगाकर तुम शुरू हो जाती हो। हाँ अब सुबह हो गई है। अरे नाना नाना उठ जाओ, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर पानी फेंक देगी। ए, इधर उधर घूमने से अच्छा है लोटा रखा है, जाकर दूध लेकर आ। अगर तेरे बाप को चाय नहीं मिली ना तो हंगामा कर देगा, जा लेकर आ। क्या करूं मैं इसका? शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए शेर ही रहता है। सीनू इससे ठीक तरह से पिस नहीं रहा, बाहर जाओगे तो नया लेकर आना ना। इससे घर का काम नहीं होता, इससे बाहर का काम बोल रही हो? ये ले दूध पी। सीनू, अरे सुन, ये ले। अरे सुनती हो, अगर ये चाकू उस दिन मिल जाता ना तो आज का दिन और राजा माँ। हाँ? अरे जो मिलता उसको फाड़ डालता मैं। छी! चाहे कोई भी हो, इस गांव में जन्म लेने वाले हर इंसान को चैलेंज करता हूँ। रोज की तरह नाटक शुरू हो गया। मेरे ही घर में घुसकर मेरे ऊपर उंगली उठाता है तू? अरे रे, पी के फिर से शुरू हो गया क्या? अरे तू चुप कर, एक बात सुन लो, मेरे सामने जो भी आए ना तो ये लिंग राजू किसी को छोड़ेगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा, काट डालूंगा, काट डालूंगा मैं। सीनू, सीनू तुम्हें देने का सोच रही थी। Ha 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 ha
सीनू। इसे तुम्हें नहीं पढ़ना है सीनू, इस लेटर को ले जाकर तुम अपने बड़े भाई को दे दो। अरे उसे पड़ोस वाले से लव हो गया है ना, लगता है हमें यहाँ पार्टी देने के लिए बुलाया है। ऐसी बात है तो मैं भजिया लेकर आता हूँ अभी। अरे ठहर जा रे, तू भजिया लेने जा रहा है तो बैंक लूट कर आएगा, उसकी शक्ल तो देख, पार्टी देने लायक लगता है वो। अरे श्रीनु, ऐसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है, घर में कुछ गड़बड़ हुई क्या, क्या हुआ? अरे ए, मुझे तुम लोग एक बार वचन दो। कैसा वचन? ए तू चुप रह। लेकिन बात क्या है बताओ तो। अरे यार ये दुनिया गलत है, इस दुनिया में लड़की गलत है और प्यार गलत है। अगर कोई भी आज के बाद मुझे बोला कि मुझे प्यार हुआ है तो मैं इसी नदी में उसे डुबा दूंगा। इतना गुस्सा किस लिए है या तेरे मल्ली को अपना? क्या तूने मल्ली मल्ली लगा कर रखा है? अगर उस लड़की जैसे अगर मुझे मिल गई तो मैं ऐसा क्यों रहूंगा। अरे वो देखो शीतल जा गई है। शीतल जा रही है तो उसके पीछे मेरे भैया जाएंगे। अरे बाप रे, ये क्या है, अब ये क्या नई कहानी है? अरे श्रीनु, तेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। भाई किस्मत कहाँ होती है? अरे गधे, जो तेरे पास नहीं है उसकी बातें क्यों कर रहा है? सुनो, मेरे पास दो तीन है पर तेरे पास कुछ नहीं है। अरे तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? कहाँ जा रही है, आज तू कमाल की लग रही है, बात क्या है रे? तुम्हारा भाई मुझे लाइन मार रहा है ऐसा लग रहा है। अरे वो तो कब से यही काम करता है। मतलब तुम्हें पता है इस बारे में, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? उसने तुमको लाइन मारी तो मुझे क्यों शर्म आएगी, उसका तो ये रोज का काम है, लड़की देखी नहीं शुरू हो जाता है वो। तो मैं क्या ऐसी वैसी लड़की लगती हूं? अरे देख तू है ही इतनी सुंदर की वो बेचारा क्या करेगा। अरे अरे मार मार के मुझे मार डालेगी क्या? मंत्र की किताब चोरी कर लेने से किसी को मंत्र नहीं आता, मंत्र विद्या से आती है, लड़की नहीं मिलेगी। गुरुजी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे खोल के देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। गुरु पर विश्वास करो, गुरु जो आचरण सिखाते हैं आंख बंद करके उस पर अमल करो। गुरु परशुराम को धोखा देकर कर्ण ने उनका श्राप लिया था। गुरु द्रोही, गुरु का विश्वास तोड़ने वाला, हर लड़की को पटाने के चक्कर में हर समय मार खाता है, धीरज खोकर जल्दबाजी के चक्कर में लड़की का भाई बन जाता है। ये किस्मत नहीं है, तुम्हारी उम्र में लड़की से ज्यादा प्यार किया है। अरे घर में आई हुई लक्ष्मी को लाइन में नहीं लाए तो वो लाइव में भी नहीं आती है। घूम फिर कर बस का चक्कर काटोगे और डिपो में बैठे रहोगे। बस घूम फिर कर डिपो में ही तो आती है। पैसेंजर के बिना बस, बैलेंस के बिना सिम कार्ड और लड़की के बिना प्यार सफल नहीं होता है, समझ गए? गुरुजी ये सब मुझे नहीं पता। सच्चाई से प्राप्त हो ज्ञान होता है, जल्दबाजी में लिया गया ज्ञान होता है। सर ये बेडरूम और बाथरूम में सोचने लायक नहीं है, आप इसको कुछ और बताओ ना सर। तू खुद मंद बुद्धि है, मुझे सिखाने आया है। आपके लेक्चर से लड़की नहीं पटने वाली है, आप बताओ क्या करना है। पूजा घर में पूजा करनी चाहिए। कब कहां क्या करना चाहिए जानकारी होनी चाहिए। ओम, ये मंत्र शक्ति वाली रुद्राक्ष माला है, इसे प्रार्थना करके अपने गले में पहन लो। जब लड़की मिले और वो कहीं लीन हो तो उसके गले में डाल देना। ये बंद करो, मुझे परेशान मत करो। धीरज धीरज रखो थोड़ा, बीज बोते ही तुरंत पेड़ बनकर फल नहीं देने लगता। ओ ये सोने की अंगूठी लो, ये मंत्र शक्ति से सिद्ध की हुई है, इसे भी दे रहा हूँ, इसे तुम उस लड़की की अंगुली में पहना देना। अरे कैसे अंगूठी पहनाएंगे, लड़की अपनी उंगली सामने करेगी क्या? एक मिनट रुको। हेलो कौन बोल रहे हो? बाहुबली वाले प्रभास? बाहुबली वाले प्रभास हैं। तुमने क्यों फोन किया बेटा, क्या चाहिए? अंगूठी चाहिए, लड़की को पटाना है क्या? तुम्हें अंगूठी के बारे में किसने बताया बेटा? ओहो अजय देवगन ने बताया क्या? उसने पूछा था तो उसे भी अंगूठी दी थी, वो अंगूठी ले जाकर काजल को पहना दिया, उस लड़की ने उससे शादी कर ली।
ये बात बताने के लिए उसे मना किया था, उसने कैसे बता दिया तुमको? ओके ओके ओके, तुम्हें भी एक अंगूठी चाहिए ना? कैसे दूं? मेरे पास एक ही अंगूठी है, शीनू नाम का एक बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरा करीबी है। बेचारा 3 बार प्यार में फेल हो गया है, मैंने उसको देने का वादा कर दिया है बेटा। हाँ, तुम बुरा मत मानना, मैं अपने बात से पलट नहीं सकता। हाँ, मैं रखता हूँ, वो वापस आएगी। ओके शीनू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम इधर आओ। देखो, अरे उस जया भादुड़ी को, अमिताभ बच्चन को मैंने ऐसी ही अंगूठी दी थी और मैंने कहा था कि बॉलीवुड में रहकर भगवान तुम्हारा भला करेगा, और मेरी बात उनको बहुत पसंद आई। और देखो ना, भगवान तुम्हारी मदद करने के लिए लिखा था और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अरे मैं ऐसा ही हूँ बेटा। अरे श्रीनू, अरे ये हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे फोन ही नहीं आया। अरे फोन तो स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ आ रहा है, देख क्या रहा है, इसे मारो। उसने धोखा दिया तो मुझे क्यों चाटा मारा? धोखा? सब लोग धोखेबाज, पूरी दुनिया धोखेबाज है। प्यार धोखेबाज, लड़की धोखेबाज। अरे शीनू, प्यार में ये सब तो कॉमन है। क्या प्यार में सभी लोग सक्सेस थोड़ी होते हैं? शादी से पहले, शादी होने के बाद, अरे यार यहाँ तक कि बच्चे होने के बाद आजकल पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं। पर इस मामले में तू बहुत लकी है यार, तुझे तो केवल प्यार में धोखा मिला है, ये सब तो कॉमन है। लैला मजनू, देवदास पार्वती, उनका प्यार कब पूरा हुआ? वो सब कहानियां है यार। लव एक लॉटरी की टिकट की तरह है, करोड़ों में से किसी एक होता है। लॉटरी का टिकट पैसा देके खरीदते हैं, और लव वो तो किस्मत से मिलता है। अरे एक नहीं तो दूसरी से ही। अगर लड़की ने छोड़ दिया तो इतना उदास क्यों होता है मेरे भाई? ये सब मुझसे नहीं होगा यार, मेरा दिमाग खराब। हमेशा ऐसा ही बोलता है, लड़की मिलते ही फिर शुरू हो जाता है। ए, तू मेरे बारे में नहीं जानता, जबान दे दी मतलब दे दी। हाँ, तू हमेशा मुझसे यही बोलता है। मेरे हिसाब से एक छोटे से बच्चे को समझाना बहुत आसान है, लेकिन तुझे समझाना नहीं। ए, अगर आज के बाद लड़की के पीछे भागा ना तो चप्पल निकाल कर मारना। लड़की के बारे में और कोई बात नहीं करता। क्यों, मेरे पास यही काम है क्या? अरे शीनू, अगर तुझे कोई भी लड़की दिखती है तो तुझे हर एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की देखते ही तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही उसके भी रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। फिर से प्यार के बारे में बात कर रहा है? मैं तुझे मार डालूंगा। पागल कहीं का। ओहो, वैसे सब लोग हमेशा यही बोलते हैं और बाद में पागल होकर घूमते हैं। लड़की ने तुझे धोखा दिया और मेरे ऊपर गुस्सा करता है। श्रीनू, वो आदमी अकेला जा रहा है। कौन है? तेरे को बस में मारा था ना वो। चल आजा। रुक जा। अरे ये क्या किया, एक पंच में ही उसे मार डाला। इसको ही नहीं, अब मैं एक एक को ढूंढ कर मारूंगा। अगर कोई हमारे गांव की लड़की के आसपास आएगा तो काट के नदी में फेंक दूंगा। हाँ मैं देख लूंगा यार, बात भी है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बोलो।
ए, अब एक ही बचा है। अरे श्रीनु देख मैं अपना पावर दिखाऊंगा। अरे भाई तू इंटर में पास हो गया। क्या बात कर रहा है यार, अब तो हमारी पार्टी बनती है। अरे वाह। अरे ये तो इंटर पास हो गया, लेकिन ये बताओ तुम दोनों कब पास हो गए? अरे इसने जो लिखा मैंने भी वैसा सेम टू सेम लिख दिया, इसीलिए इसके साथ मैं भी पास हो गया। बहुत अच्छा काम किया। अरे कल से तुम लोग बड़े कॉलेज में जा सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। ए, हम लोग सीनियर हैं, तुम लोग चलो नीचे करो। चलो जल्दी करो। वहां पर वो जो लड़की खड़ी है ना उसे फूल देकर आ। जा। अब देखना उसका क्या हाल होता है। देखते हैं। हाँ सही कहा। उन्होंने आपको फूल देने के लिए कहा है। रास्कल के अंकल। चल चल चल। श्रीनु हाय, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? न्यू एडमिशन है यार। ये मेरा इंटर का दोस्त है। हाय हाय मुरली, ये है यादव मेरा बेस्ट फ्रेंड, चड्डी बड्डी दोस्त। हम लोग हरदम साथ में रहते हैं। ये है विजय, ये है नवीन। हाय हाय। गुड मॉर्निंग सर। श्रीनु गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आते हो या गुंडा बनने के लिए? ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो। हाँ, अरे हाँ हो जाएगा। हाय। अरे भाई सुन ना, इंटर कॉलेज में तू तो बड़ा शरीफ रहता था, लेकिन जैसे ही कॉलेज के अंदर आया तू इन सब का हीरो बन गया। बड़े बड़े सीनियर सभी तुझे सैल्यूट करते हैं, तू तो सुपर है यार। हाय मुरली। हाय हाय कुमारी। हाय शिनू।
अरे भाई सुन ना, ये मेरी साली है। मतलब कि भाभी की बहन यार। ओ। हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना, तो क्या मैं तुम लोग की टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? अरे शीनू, कुमारी हमारी गैंग में शामिल हो रही, लगता है तुझसे लव करने लगी है वो। नहीं रे, मुझे अब लव नहीं करना है, मैं अब कभी प्यार नहीं करूंगा। माँ ने मुझसे एक वादा किया है कि मैं कलेक्टर बनूं। तू कलेक्टर बनना चाहता है तो लड़की बीच में आएगी क्या? अरे तुझे प्यार के बारे में नहीं पता है, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? अरे यार शीनू, एक बार धोखा खाने के बाद बार बार धोखा नहीं मिलता, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मौका मिले तो चौका मारना चाहिए। आखिर तू ऐसे कब तक रहेगा? वो लड़की तुझसे प्यार करने को तैयार है और तू नाटक कर रहा है। अब मेरी बात सुनकर उस लड़की की बात मान ले तू। अगर उसने तुझसे प्यार किया तो ओके, मेरे हिसाब से जो हमारे हाथों में लिखा है वो हमें कभी ना कभी मिलकर ही रहता है। हाय कुमारी, आज तुम क्लास में दिखाई नहीं थी। बहुत अच्छे मुरली, बाजू वाली क्लास में बैठोगे तो कैसे दिखूंगी मैं। हाय कुमारी, क्लास नहीं चलेगी क्या? हाँ चल चलते हैं। अरे अभी कौन सा लेक्चर है? अरे वही मोटे की यार। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। इसका तो यही नाटक है। चलो रे हम लोग चलते हैं। हाय श्रीनू। हाय कुमारी, क्लास के टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ पर वो तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने आई है। अबे समझने की कोशिश कर। ए चलो यहाँ से, चल के चाय पीते हैं। अरे भाई कहाँ थे, इतने दिनों के बाद कॉलेज में दिखाई दे रहे हो। अरे कुछ काम था, अभी आ गया है ना। अरे दया नरसिंह की बेटी हमारे कॉलेज में एडमिशन ली है क्या? तो इसको जानता है क्या? हमारे गांव की है, मैंने इसे पिछली बार पटाने की कोशिश की थी, उस बार पटा नहीं पाया, पर इस बार तो मैं उसे पटाऊंगा ही। अरे सुनना, हम सबको पिटवाएगा क्या? उसके पीछे श्रीनु पड़ा है, वो भले ही जूनियर है लेकिन हमारे कॉलेज का हीरो है। छी, शर्म नहीं आती तुझे जूनियर के हाथों से मार खाने में? अब भी जाकर उसको किस करके आता हूँ मैं, देखता हूँ कौन क्या उखाड़ता है। मुझे कुमारी से बात करनी है। क्या रे, सुना है तेरे पीछे कोई नया हीरो आ गया? अरे तुझे छू लिया मैंने, अभी तक तो वो आया नहीं। चलो भाग यहां से। एक हमारे गांव की लड़की है, मेरी जो मर्जी आए मैं वो करूंगा, तू कौन होता है? ये तेरा घर नहीं है कि तू यहाँ पर दादागिरी करेगा, और कुमारी तेरी लवर नहीं है। अगली बार तूने उसे छेड़ने की कोशिश की ना तो देख लेना, समझा? तू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, निकले यहाँ से। थैंक यू शीनू। अरे बाप रे, ये लड़की कौन है यार, बहुत ही मस्त है। शीनू की लवर है, कॉलेज में दोनों लोग। चुप करो तुम लोग। हे, हमारे गांव में क्या कर रही हो? क्यों नहीं आ सकती मैं? क्या ये पूरा गांव तुमने खरीद लिया है? अरे वो सब छोड़ो, अभी बोलो इसे, सब खरीद लेगा। यही तुम्हारी गैंग है? यही हमारी गैंग है, गली गैंग। अच्छा तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे सर को बहुत बेचैनी हो रही है, मैं जाऊँ क्या? चलो मैं जाती हूँ, चलो चलो। हे, अबे तूने उसको नाराज करके भेज दिया, जा उसके पीछे। ए, ऐसे क्यों जा रही हो? हाँ मैं जा ही रही हूँ, तूने कुछ बोला नहीं ना। सॉरी कुमारी। हैप्पी बर्थडे श्रीनू। अरे यार हमारे साथ खेला कूदा और हम ही लोग इसका बर्थडे भूल गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
ठीक से नहीं रखी है। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने सही रखा है, तू अपने काम पे ध्यान दे। नहीं मार पाई ना। लंगड़ी घोड़ी लो पकड़ो। अबे पागल है क्या? ए, इधर क्या देख रहा है? गिल्ली को देख रहा हूँ मैं। ए, क्या बोला? गिल्ली देख रहा है? तो तुझे क्या लगा कि मेरा ध्यान कहीं और है? अच्छा मैं बताऊं तुझे। रुक। कबड्डी 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 कबड्डी। कंबाइन स्टडी। अरे बाप रे। ए, क्या करता है यार? क्लास हुआ था? नहीं नहीं, क्या बात? अरे चलो ना यार, कॉलेज का टाइम हो गया है। तो था ही नहीं। क्या हो रहा है, समझ क्या है ये सब लोग क्यों जमा है? पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लग रहा है। क्या रे, उस दिन क्या बोला था इसको, मारेगा? भाग रहे, पकड़ उसे। अरे मुझे पता है तेरा बाप नहीं मानेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जो होना होगा हो जाएगा। तुम थोड़ी हिम्मत रखो, ठीक है?
और कितनी हिम्मत रखूं ये बता। तेरे पापा को पता चलेगा तो मेरे पीछे शिकारी की तरह पड़ जाएंगे वो। तेरी जिंदगी तो सही रहेगी लेकिन मेरा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मत बोलो ना, मुझे रोना आता है। तो थोड़ी देर लाइफ में रिलैक्स कर लेते हैं। वो तो पहले ही हो गया ना, फिर से क्या? जीजा जी, वहां पर आका के नाम पर जो जमीन है ना, सरपंच ने पेपर भेजे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जीजा जी एक बार जांच करा लीजिए, एक बार चेक करा लेंगे तो अच्छा होगा। ग्राम पंचायत में जाकर मिल लेते हैं। हिसाब किताब के लिए मेरी क्या जरूरत, उसको बुला के सब कुछ देख लो ना तुम। डैडी आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। नमस्ते अंकल। हाँ बोलो बेटा। अंकल मैं आपसे और क्या क्या बताऊं, लेकिन आपके इस गांव में इज्जत है इसलिए एक बात बताने आया हूं। आपकी बेटी को समझाया कि कॉलेज में वो श्रीनु के साथ मत घूमो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं अभी भी आपको ये बात नहीं बताऊंगा ना तो गांव वाले के लिए मैं गलत हो जाऊंगा। कम से कम आप अपनी बेटी को समझाइए, नहीं तो ये दयानंद सिंह जी की इज्जत श्रीनु छीन कर ले जाएगा। जरा होशियार, चलता हूँ। नमस्ते। अरे उसे जो बोलना था सो बोल दिया। हमारी बेटी कैसी है हमें पता नहीं है क्या? कॉलेज में जाने के बाद कौन कैसा रहता है हमको क्या पता। हम लड़की पर नजर रखेंगे तो अच्छा होगा ना। पापा। अरे क्या कमी की थी मैंने, तुम्हारी माँ के मना करने के बाद भी मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा, मुझे ही धोखा दे रही हो तुम। मैंने कोई गलती नहीं की पापा। मुंह बंद करो। गलती करके सब लोग यही बोलते हैं। छी, तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। सोचा था पढ़ लिख कर तुम अपनी लाइफ बनाओगी, कुछ बन जाओगी, लेकिन शीनू नाम के लड़के के प्यार में तुम उसके साथ घूम रही हो। पापा मैं आपकी बेटी हूँ। पापा चुप करो, तुम छोटी हो इसलिए समझा रहा हूँ। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी, पढ़ाई लिखाई बंद। घर की दहलीज पार की तो पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। चलो जाओ। अरे अब क्या करने का इरादा है? कुमारी के लिए किसी को भी मारना पड़ेगा ना तो मार डालूंगा। क्या किसी को मारेगा तू? तुझे पता है वो दयानाद काफी खतरनाक है, उसके दिल में किसी के लिए भी कोई दया नहीं है। तो उसके लिए मैं क्यों डरूं? बेटा इसके लिए डर नहीं, दिमाग चाहिए, दिमाग। अरे लड़की आने को तैयार है तो लेकर आ, उसमें किसी को मारने पीटने की क्या जरूरत है। क्या रे, सच में वो तेरे से प्यार करती है? 100% प्यार करती है। तो तू बुलाएगा तो आएगी? ऐसे क्या देख रहा है? अरे कुछ तो अपनी जुबान खोल। तू जो मुझको यार मिला सब कुछ मैंने पाया, ओरे यारा यार मैं तो खो गया। ओरे यारा तूने मुझसे प्यार किया सब कुछ मैंने पाया, ओरे यारा यार मैं तो खो ही गया। ओरे यारा दिल खो ही गया। सुन लो कुछ कह दो तुम, कह दो यार अब बात सुन लो, दिल कह रहा अब तो हमारा दिल कह रहा। अरे यार कितनी दूर है, मैं थक गया यार। बस थोड़ी दूर है, मंदिर के बाजू में है। अरे यहीं रुक, वो देखो कुमारी। ए रुक, लगता है पूरे परिवार के साथ है। चलो यहां से निकलते हैं, चलो चल चल चल, चल, चल। अरे बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यश भारती। कौन सी क्लास में बताओ बेटा? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में? तेरा नाम क्या है? बबलू। अरे जबरदस्त नाम है भाई, चल जा जा। माँ मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है।
क्या है? ठीक है तुम जाओ यहां से। एक कुमारी, मुझे तुम्हारी सारी बातें पता चल गई हैं और तुम्हारे जीजा कल मुझसे मिले थे और मेरी गैंग मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा और तुम्हारे ले जाने के लिए सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम कैसे भी करके आ जाना, कल शाम को मंदिर के पास आ जाना। हमने अपने प्यार को तो सारी दुनिया से छुपा लिया, लेकिन अब ये इसी दुनिया से कैसे छुपाऊंगी मैं? मल्ली! ए, तू ही है ना जो मेरी बेटी के साथ घूम रहा था, अब चुपचाप खड़ा क्यों है? तूने मेरी बेटी के साथ जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, समझा? अरे लड़की आने वाली थी, ये क्यों आया है? कुमारी को लड़के वाले देखने आए हैं। क्या लड़के वाले? पर वो उसकी पसंद नहीं है ना? उसे पसंद नहीं है तो क्या हुआ, उसके बाप को तो पसंद है, वो पागल है। ए, तुम लोग यही ठहरो, तुम मेरे साथ आओ। अरे ये तो अकेला चला गया, हमें भी इसके पीछे जाना चाहिए। अपना मुंह बंद करके यहीं खड़े रहो, हम लोग उसका यहीं इंतजार करेंगे। इससे पहले वाला शीनू समझा है क्या तूने? वो अकेला ही सब पे भारी है। सही बोला रे। रुक 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 जा, यही कुमारी का घर है, इधर से जा। ओम गणानांत्वा गणपतिं हवामहे कविं कपिनामुपस्रस्त्वं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्त आनः शृण्वा तृतिभिः सीद साधनम्। ओम गणाधिपतये नमः। क्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपनाश्यन्ते। ओम शुभमस्तु। मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी कन्या को बुलाइए। अरे सुनो, लड़की को लेकर आओ। जीजा जी, लड़की दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी बेटी। अरे घर में अच्छी तरह देखो। श्रीनु उसे लेकर जा रहा है जीजा जी। थैंक्स भाई, चलो मेरे साथ आ जाओ। थैंक यू श्रीनु। अरे भाई, ये मेरी साली है, आज तुम क्लास में दिखाई नहीं थी। कुमारी को लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। थैंक यू मुरली, बाय। अपना ध्यान रखना। पूरा गांव दयानाथ नरसिंह के नाम से कांपता है और तू मेरी ही बेटी को मेरे घर से भगा कर ले जा रहा है। जिंदा नहीं बचेगा आज तू।
इसे छोड़ना मत, इसे जान से मार दो। छोड़ना नहीं इसे। मारो। इसकी इतनी हिम्मत। देख क्या रहे हो, मारो ना इसको। ये तो लड़की भगा के ले जा रहा था। इसे बहुत बड़ा मार दिया। अरे मजाक बना रहा है, भगा के ले जाता है। अरे क्या हो, मारो इसे। मार डालो इसको। बेटी तो उसके साथ भागी, इसे क्यों मार रहे हैं? पकड़ो इसको। पकड़ पकड़। अरे कहाँ भागता है? भागता है। जल्दी जल्दी। रुक रुक चल जल्दी बैठ। अरे बोलकर गया था आएगा। हाँ मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ। अभी तक उस लड़की के भाई ने उसका कचूमर बना दिया होगा। चलो जाकर देखते हैं उसे। चलो 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 चलो। इसके साथ भागने के लिए हमारा इस्तेमाल किया तूने? हे तू चुप बैठ, ऐसे बात कर जैसे उसका पति हो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और तुम लोगों को प्यार चाहिए? लड़की देखी नहीं कि सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पड़ जाते हो? हाँ, तुम जैसे गधों से कौन प्यार करेगा? तुम लोग अपने आप को तोप समझते हो? तुम लोगों को पता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने के पूरे 2 लाख कमाता है। ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तो नौकरी है, और तुम लोग को मैं चाहिए? छी, तूने अपने भगवान समान बाप को धोखा दिया, हम दोनों को धोखा दिया, तेरे साथ कौन रहना चाहेगा? ये तेरा स्वार्थ था, तुम्हें मैं चाहिए थी इसके लिए तुमने उनको धोखा दिया। मुझे ये चाहिए था इसलिए मैंने तुम लोगों को धोखा दिया। लड़की हो, इस तरह से बात करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों आनी चाहिए? हाँ, तुम ही लोगों ने मुझे पटाने की कोशिश की और शर्म मुझे आनी चाहिए? क्यों भला क्यों आनी चाहिए? तेरा भी स्वार्थ था। तुम लोगों की तरह मेरे पापा का भी स्वार्थ था। वो अपनी पसंद के लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मेरे सपने नहीं है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है क्या? मैंने अपनों को छोड़कर अपने प्यार का साथ दिया है। तुमसे मेरा काम खत्म हो गया, तो अब से तुम सब मेरे पीछे मत आना, समझे? गुड बाय, चलो जानो।